गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी धनतेरस। आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, आज है धनतेरस और ब्लॉग मैं सामने शूट कर रही हूँ क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप था। मैंने कुछ कुछ चीज़ें ली, शॉपिंग भी हुई, बट मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि धूप की वजह से दिमाग से उतर जाता है ऐसे शूट करना, ब्लॉगिंग करना। तो अभी शाम को हम लोग कुछ और चीज़ें लेने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अभी याद आया तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। और भाई का बर्थडे भी आ रहा है, वो है 25 अक्टूबर को, दिवाली के ठीक नेक्स्ट डे। तो उसके लिए भी मैंने सोचा कि कुछ ड्रेसेस ले लिया जाए, देखते हैं क्या पसंद आता है क्या नहीं, वो तो बाहर निकलने के बाद की बात है। तो बने रहिए, देखते हैं ये ब्लॉग क्या क्या दिखाता है आपको और कैसा रहता है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले मार्केट। आप देख सकते हैं कि पूरा लाइट लगा होगा, हर जगह लाइट वगैरह सब दिख रहा होगा आपको। जी हाँ, दिवाली आ चुकी है तो सब लाइट लगाएंगे ही। तो चलिए चलते हैं पहले मार्केट। सबसे पहले मैं कपड़े के दुकान पर गई, वहाँ से मैंने भाई के लिए कुछ टी शर्ट्स लिए। जी हाँ, उसका बर्थडे था तो टाइम नहीं मिल पाता दिवाली वगैरह में शॉपिंग में, इसलिए तो मैंने वहाँ से टी शर्ट उसके लिए पहले उठाया। उसके बाद मैं पहुँची, मुझे लेना था एक एल्युमिनियम का बहुत बड़ा डेकची। वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं क्या ही बताऊँ, जैसा कि आप देख सकते हो। फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया क्योंकि सारी शॉपिंग तो मॉर्निंग में हो चुकी थी जो मैंने पहले सूट नहीं किया था, तो बाकी और कुछ था नहीं। उसके बाद मैं घर आ गई थी तो मैंने और कुछ सूट नहीं किया। और ये मॉर्निंग हो चुकी है और पूजा हो चुकी है और मैं ये अपना चाय कम्प्लीट कर रही हूँ क्योंकि मेरी पूजा मॉर्निंग में हो जाती है, जैसे कि आप लोगों को पता है। आपको छोटी दीपावली और नरक चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, आज छोटी दीपावली है, जैसा कि मैंने कल ये ब्लॉग स्टार्ट किया था तो कल थोड़ा सा ही शूट कर पाई। और ये ब्लॉग देखते हैं आज ख़त्म होगा या आज कल दो दिन कंटिन्यू ही रहेगा। तो सबसे पहले चलते हैं दीपावली की शॉपिंग करने। अभी सुबह हो चुकी है, मतलब 10-11 बज चुके हैं, तो अभी निकलते हैं हम लोग शॉपिंग करने। आज मौसम अच्छा है, धूप हल्की है, तो चलिए चलते हैं मार्केट में शॉपिंग करने। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे दिए की दुकान पर। जी हाँ, और ये होममेड दिए थे, मतलब हाथ से बनाए गए थे और बहुत ही अच्छा था। तो सबसे पहले मैंने दिए की शॉपिंग की और उसके बाद ये थ्रू मार्केट की झलकियाँ हैं। रात में कुछ ज़्यादा लाइट होती है बट रात में एक ही साथ बहुत सारा दीपावली में चीज़ें लेनी होती है, तो मैंने दिन में ये सारी शॉपिंग की जैसे कि आप देख सकते हैं। और हाँ, इस बार मैंने वो जो सीरीज बॉल होता है, जो छोटा छोटा लाइट्स होता है, हम लोग टूनी लाइट बोलते हैं बंगाली में, उसे ट्यूनी लाइट्स बोला जाता है, तो वो मैंने इस बार शॉपिंग नहीं की क्योंकि मैं पूरा क्या बोलते हैं लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, मतलब जो भी बोलते हैं वो वाली शॉपिंग मैंने की। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खरीदा जो हमारे देश में ना बना हो, जो यहाँ पे नहीं चलता हो, तो इसलिए मैंने इस बार उसको स्किप किया। मैंने सिर्फ फ्लावर्स और ये सारे जो होममेड झालर थे जो हाथों से बनाए गए थे, यहाँ पे पूजा की जो चीज़ें मिल रही थी ये सारी चीज़ें शॉपिंग की, प्रसाद वगैरह, मतलब जितनी सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से उठाई। और ये रात रहता तो ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता। हाँ, मैंने रंगोली घर पर बनाई थी बट मैंने वहाँ पे भी रंगोली ली और रंगोली तो मैंने नेक्स्ट डे बनाई थी। और उसके बाद हमने अच्छे से शॉपिंग की और फिर हम लोग वहाँ से निकले। शॉपिंग डन हो चुकी है, सिर्फ प्रसाद मतलब जो मिठाई वगैरह लड्डू जो है वो हम लोगों ने नहीं लिया है, वो शाम को लेंगे। और अभी घर जा रहे हैं और बहुत ज़ोरों की भूख लगी है तो अभी खा रहे हैं। अभी शाम हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। जी हाँ, सुबह में ज़्यादातर चीज़ें हम लोगों ने दीपावली की ले ली है बट जो प्रसाद होता है, जो प्रसाद चढ़ेगा वो फ्रेश बनता है दोपहर में, हम लोग जहाँ से लेते हैं वो ताज़ा मिठाई जो बनता है, तो उसके लिए अभी जा रहे हैं शाम के टाइम लेने के लिए क्योंकि सुबह दीपावली है तो बहुत सारे काम रहेंगे, घर को रेडी करना, बाकी पूजा की तैयारी, तो काफ़ी सारा टाइम रहेगा तो हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि प्रसाद भी अभी ला के रख देते हैं, फिर उसमें भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए चलिए मार्केट चलते हैं हम लोग, मैं और मेरी मम्मी, साथ में झोला जो कि मम्मी का कंपलसरी है,
पता नहीं लाइट इधर प्रॉब्लम है, इधर लाइट का इशू है। तो मम्मी का झोला साथ में है क्योंकि कैरी बैग लेके जाना अच्छा होता है प्रकृति के लिए। आप लोगों को पता ही है जैसे कि पॉलीथीन बैन हो गया है, सिर्फ कहने के लिए सब जगह बैन नहीं हुआ है, अभी भी सब जगह पॉलीथीन मिल ही रहा है, बट हम लोग अपने तरफ से बैग लेके जाते हैं, मतलब मम्मी का स्पेशली झोला। तो चलिए चलते हैं मार्केट। उसके बाद हम लोग पहुँचे मिठाई की दुकान पे, वहाँ से हम लोगों ने अपने लड्डू वगैरह जो भी मिठाई लेने थे उसको लिया और फिर हम लोग वहाँ से निकले। और उसके बाद पटाखों की दुकान पे, जी हाँ दिवाली है तो पटाखे फोड़ना तो बनता ही है, तो हम लोगों ने जम के पटाखों की भी ख़रीदारी की और बहुत सारे पटाखे लेके उसके बाद वहाँ से निकले। टू होम, हमारी शॉपिंग हो चुकी है, मम्मी के हाथ में भी झोला भरा हुआ है और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ओ माई गॉड, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग मेला घूमने आए हैं या शॉपिंग करने आए हैं, ज़बरदस्त भीड़ थी। जबकि हम लोग जिस मार्केट में गए हैं वहाँ पे संडे के दिन बंद रहता है ज़्यादातर दुकानें, बट लग ही नहीं रहा था कि आज संडे है। तो गाड़ी जा रहा था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम लोग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं घर और सारे सामान को पहले एक जगह साइड रखेंगे तब ताकि पता चले कि क्या कौन चीज़ लिए हैं, और बाकी जो होगा कल पूरे दिन की तैयारी कैसे क्या करना है वो सब चीज़ हम लोग कल रिकॉर्ड करेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए, दिवाली के लिए हम लोग क्या शॉपिंग करते हैं, कैसे दिवाली के दिन घर अपने ये की सजा रहे हैं या फिर क्या करते हैं वो देखने के लिए बने रहिए। मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, इसलिए सो मैं रखती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट। और ये दिवाली की सुबह और बेटा प्रणाम कर रहा है, बोल रहा है कि मम्मा आप वीडियो बना रहे हो, मैं फिर से प्रणाम करूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब, आप सबको हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, माँ लक्ष्मी से कृपा है कि आप सबके घर पे सुख समृद्धि बरसती रहे पूरे साल, आप सब अच्छे से रहें, इसी शुभकामनाएं के साथ दिवाली के दिन की शुरुआत करते हैं। पूजा हो चुकी है मेरी और बस दिन की शुरुआत हो चुकी है, अभी बहुत ही ज़्यादा सुबह है, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, तो ऐसा ही रहा आज का दिन। आज तो दिवाली है तो ऑब्वियसली और जल्दी उठना बनता है, तो देखते हैं पूरा दिन क्या होता है कैसे होता है आपको दिखाया जाएगा, तो बने रहिए ब्लॉग में। और अभी बड़ा वाला बेटा भी पूजा कर रहा है, आपको घंटे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे दीपावली के लिए घर की प्रिपरेशन जो तैयारी होती है वो शुरू हो चुकी है, तो सबसे पहले मैंने मंदिर वगैरह पेंट करने में बैठ गई हूँ, बाकी जो तैयारियाँ हैं मम्मी भाई बेटा सब मिलके कर रहे हैं, तो मैं मिलती हूँ आपसे मंदिर पूरा पेंट करने के बाद। और ये देखिए सामने का मंदिर मैंने बहुत अच्छे से पेंट कर लिया है, नॉर्मली हम लोग इसको कागज़ से रैप कर देते हैं वो जो कलर वाला कागज़ आता है, बट इस बार मैंने सोचा कि नहीं पेंट करते हैं, तो पापा ने बोला कि ठीक है पेंट कर लो, और पेंट करने के बाद एकदम नया जैसा लुक आ रहा था, क्या ही बताएं। उसके बाद इसको फिनिश करने के बाद मैं रंगोली बनाने चली गई। गुड इवनिंग एवरीवन, जैसा तैसा करके मैं रंगोली बना रही हूँ, यहाँ पे जब भी आती हूँ या फिर वहाँ पे भी पट्टा में भी, ये मेरा ही ड्यूटी रहता है रंगोली बनाने का। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं बनाती हूँ, बट जैसा भी होता है कहते हैं कि अपना बनाना चाहिए, माता लक्ष्मी के लिए बहुत शुभ माना जाता है, तो बस कोशिश कर रही हूँ। आप बताइएगा कि कैसा बन रहा है, जैसा भी बन रहा है अभी इसे बनाऊँगी, देन फिर घर में कुछ झालर वालर टाइप लाए हैं उसको सजाएंगे, फ्रेश होंगे, पूजा की तैयारी करेंगे, और मम्मी उधर खाना बना रही है, तो ऐसे साथ साथ दोनों काम हो रहा है, तो मैं आपसे मिलती हूँ इसको पूरा बनाने के बाद, फाइनल लुक दिखा दूँगी। रंगोली तो कंप्लीट हो चुकी है और आज तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि अंधेरा हो गया है, अभी तो मतलब क्या ही बोला, शाम का टाइम नहीं हुआ है बट अंधेरा हो गया है, तो ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है, मम्मी ने खाना बना लिया है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा दरवाजे पे मम्मी को सजाने के लिए लेके आई है, उसको लगाते हैं, उसके बाद फटाफट से रेडी होंगे, उसके बाद पूजा की तैयारी करते हैं, तो चलिए पहले फटाफट से उस काम को कर लिया जाए। और मेरा बेटा भी यहाँ स्नान कर रहा है।
है एवरीवन, और ये मैंने पहली बार रंगोली में मतलब लक्ष्मी जी जैसा चल के जा रही है वैसा कुछ पाँव बनाया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था फर्स्ट टाइम के हिसाब से। और ये रही रंगोली जो मैंने बनाई है, ये बीच वाली जो रंगोली थी वो थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, बट ठीक है अभी कोई स्पेशल तो वो नहीं चलता है। उसके बाद मैंने ऐसे कुछ मम्मी गेट्स लेके आए थे तो वो मैंने लगाया। कर लेते हैं ताकि पूजा करने के मुहूर्त तक हम लोग वो सारी चीज़ें प्रिपेयर कर चुके हों ताकि लेट ना हो। तो चलिए चलते हैं। सुने आप लोगों ने मेरा बेटा का बात, क्या हुआ? इसको इस बात का टेंशन है कि दूध खत्म हो गया तो ये दूध कैसे पिएगा। अब कोई बताए इसे कि ये प्रसाद वाला दूध है, इसका दूध ऑलरेडी अलग से रखा हुआ है। क्या नहीं, ये शक्कर दीजिए, शक्कर कम होगा। और तुलसी पत्ता जो रखी थी तोड़ के कल ग्रहण है बोले थे ना, तो तुलसी पत्ता दे दीजिए ना। और सबसे पहले पूजा में जो जरूरी चीजें वो मैं बनाने बैठी थी, हाँ पंचामृत में यहाँ पे बना रही हूँ और रिकॉर्ड कर रहा है मेरा बेटा, आज उसकी ड्यूटी थी। मुझे दिखा थोड़ा तुलसी पत्ता दे दीजिएगा साथ में, अलग करके रखी दूँ इसको। हाँ बेटा मीठा भी होना चाहिए ना प्रसाद। हाँ पहले प्रसाद भगवान को चढ़ेगा ना, गणेश जी को लक्ष्मी जी को, उसके बाद गणेश भगवान। पटाखा जलाना हो गया है, हम लोगों ने बहुत सारे पटाखा जलाए हैं, अब रात हो चुकी है,
अब चलते हैं पहले जो खाना बाकी है उसमें आराम से चलाओ उसमें लगने, उसके बाद आपसे मिलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या खाना है। मुझे ये चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है। मैंने ड्रेस तो चेंज कर दिया बट ये सारी चीज़ें भी चेंज नहीं की, अब चेंज करूँगी। तो देखते हैं कि खाना क्या बना है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। किस किस का पकौड़ा? आलू बैगन का पकौड़ा, ये प्याज का पकौड़ा है, ये राइस, और ये वही आलू और सूरन का सब्जी, और ये है कड़ी बड़ी, मम्मी की स्पेशल बड़ी बनी है इसमें, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है और आपको देख के भी लग ही रहा होगा। तो आज का हम लोगों का डिनर ये है। सब चीज हो चुका है, बस खाना पीना बाकी है। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं हम लोग, पहले खाना पीना खाते हैं और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे दूसरा ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करना है। क्यों वो आप दूसरे ब्लॉग में देखिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, ऑफकोर्स इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही ज़्यादा नीड है मुझे आप लोगों के सपोर्ट की, और उम्मीद हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।